ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करति वाचालं पंगुं लंघयति गिरीं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरिं तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप मतलब द्वितीय अध्याय पाठ का श्रवण करूँगा। सांख्य योग व गीता का सार श्लोक संख्या 7। कार्यपन्न दोष पत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढचेता यत्सह सन्निस्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ति हम साधि मम तम प्रपन्नम। शब्दार्थ कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण वा विशेषतया पृच्छामि पूछ रहा हूँ तम तुमसे धर्म धर्म समूर मोहग्रस्त चेताहा हृदय में जत जो श्रेय कल्याणकारी सत हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो तत् उह मे मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना स्वभाव भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद की। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथों में यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसा है कि बिना चाहे
जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझन में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? यह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहद आरण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय का अष्टम ब्राह्मण का 10 नंबर मंत्र में कहा गया है, व्याकुलग्रस्त मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जो वाए तदक्षरम गारिगी अविद्यात् अस्मान लोकान प्रेत ही सकृपन। कृपन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग यह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण उसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यो एतदक्षरम गारिगी विदित तस्मान लोकात् प्रेत ही स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोक अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गावा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि ये भी बच्चे की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनका रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसका उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता मैंने कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चय हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहते हैं। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होता है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्ण बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख सांसारिक विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप में नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण को की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जय श्री प्रभुपाद की।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्नाय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की। हम लोग आज भगवद गीता द्वितीय अध्याय पाठ का श्रवण करें। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? ना सांखो योग व गीता का सार। मानी द्वितीय अध्याय में गीता के सारी विषय वस्तु इसमें दिया गया है, इसलिए गीता का सार कहा गया है। इस वे कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता यत्स सन्निश्चितम गृहीतन मे शिष्यास्तेहम साधि मामतम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव मानी कार्पण्य दोष मानी कार्पण्यता कारण कृपणता कारण जो अपना जो असली स्वभाव वृत्तपूर्ण स्वभाव वो मेरा उपहत हो गया, ग्रस्त हो गया है। धर्म समूढ़ चेता धर्म का विषय में मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। तम पृच्छामि इसलिए आपको मैं पूछ रहा हूँ यत् सेवसेत जो मेरे लिए कल्याणकारी हो तत् में वह मुझको सुनिश्चितम रोही निश्चित करके कहिए अहम मैं ते शिष्य आपका शिष्य हूँ तम प्रपन्नम आपके शरणागत हूँ माम साधि मुझे शिक्षा दीजिए मानी मुझे उपदेश दीजिए। इस श्लोक का ये अर्थ है। इस श्लोक का उपस्थापना अर्जुन क्यों किया है, क्यों बोल रहा है ना, भगवद गीता का हर अध्याय एवं हर श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं संपर्कित है। जे हम लोग पहले अध्याय देख चुका है, पहले का अंत में संजय ने निष्कर्ष निकाला है जे अर्जुन युद्ध नहीं करने का निर्णय ले चुका है एवं विषादग्रस्त होकर धनुष बाण एक और राख के रथ पर बैठ गए। जब ये बात धृतराष्ट्र ने सुना है बहुत आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, वाह बहुत अच्छी बात है। अभी पांडव लोग अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, त्याग कर चला जाएगा, होने से हमारा पुत्र जो कौरव ने निष्कंटक राज्य करेगा, शासन करेगा, बहुत आंदारी आंदा आनंदित हो गया। जब संजय ने देखा जे धृतराष्ट्र ने बहुत आनंदित हुआ है तो धृतराष्ट्र को यह कहने के लिए जे अर्जुन का पास उनका जे सखा बा मित्र जे कृष्ण हैं वो किस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसको माने बता रहे। उसी प्रसंग में द्वितीय अध्याय शुरू हुआ है। तो संजय बोल रहे तम तथा कृपयाविष्टम ओश्युपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तथा माने उसी प्रकार जो अर्जुन जो रथ पर बैठ गए थे उस अर्जुन को कृपया आविष्टम कृपया मैं कृपा में आविष्ट होकर जे ओश्युपूर्ण नेत्र वाले एवं विषादग्रस्त अर्जुन को मधुसूदन ने इस प्रकार बोला है जे श्री भगवान उवाच कुतस्ता कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्ट मसर्गम अकृत्रिम करम अर्जुन। ये श्री कृष्ण दोस्ती होने के नाते तो हम देखते हैं दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त जब कुछ विपत्ति में आ जाते हैं
बाबा दुविधा में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, दूसरा तो उसको हेल्प करते हैं, जे उसको जाते दो उसका जो विपत्ति से हो जाते छुटकारा मिले और उसका जे जे आपको जे कार्य करने का जो उत्साह खो चुका है जाते उत्साह दोबारा आ सके, इसलिए दूसरा उसको सलाह देता है व उसको उत्साहित करता है। उसी प्रकार कृष्ण आप अर्जुन का दोस्त होने के नाते कृष्ण अर्जुन जे युद्ध करने से विमुख हुआ है तो उसको अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहित करने के लिए अपना मित्र को बोल रहे कुतस्ता कस्मलम इदम, कहाँ से आपका ये जे कस्मल जे गंधगी व कूड़ा कंकड़ से मुझे विचार कहाँ से आ गया, अज्ञान कहाँ से आया, विषम में समुपस्थितम ये विषम परिस्थिति में ये युद्ध क्षेत्र में संकट कहाँ से आपका गंधगी आ गया, अज्ञान आ गया है, ये अज्ञान जो अनार्य दुष्टुम जो अनार्य द्वारा आचरित है, जो अच्छा व्यक्ति आचरण नहीं करते हैं, जो मूर्ख है अज्ञानी है उसको आचरित होता है, और असरगुम असरगम ये जो कलमस है ये आपका जो अज्ञान है ये स्वर्ग नहीं देने वाला है एवं अकीर्ति एवं अपोजिट फैलाने वाला है। इसका बोल रहे हैं जे कैबलम मास में गमो पार्थ नैत्य उपबद्धते क्षुद्रम हृदय दुर्बलम त्यक्त तिष्ट परंतप, बोल रहे हैं जे हे अर्जुन हे सखा जे आपका ये क्लैबम जे नपुंसता कायरता भावाप त्याग कीजिए, आपका जे कायरता आपको शोभा नहीं देता है, न तो ही उपपद्धति आपके लिए उपयुक्त तो नहीं है, आपके लिए शोभनीय नहीं है। क्षुद्रम हृदय दुर्बलम आपका हृदय का जो तुच्छ क्षुद्र जो दुर्बलता है त्याग तो त्याग करके उत्तिष्ट परंतप हे परंतप जे शत्रु को तपाने वाला शत्रु को पीड़ा देने वाला वीर अर्जुन आप युद्ध के लिए खड़े हो। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपना गलती समझाता है व गलती पकड़ देता है तो दूसरा दोस्त दोस्ती के नाते उसको काट डालते हैं जे आप क्या बात कर रहे हैं। इसमें अगर अर्जुन बोल रहे हैं जे मैं क्यों नहीं युद्ध में जाता हूँ, पहले आपको चार कारण बता चुका हूँ, अर्जुन युद्ध नहीं करने का पांच कारण बताया, जे कोरोना तो कोरोना के कारण एवं जड़ो सुख भोग के नहीं होगा इसका कारण, पाप का भय जे सब पाप होगा और कुल का विनाश हो जाएगा, चार कारण पहले अर्थ में बता चुका है। एवं पंचम कारण अगर बताते जा रहे चार पाँच छः नंबर श्लोक में जो अनिर्ण स्थिति जो पंचम कारण है बता रहे अर्जुन को अर्जुन कृष्ण को बता रहे कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन ईसुभि प्रति ज्योत्सामी पूजारो अधिसूदन, कथम कैसे में पूजारो जो पूजा के योग्य है जो पूजनीय है जो सम्मानीय है भीष्म एवं द्रोण को जो पितामह भीष्म मेरा जो अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य को मो कैसे इस संखे युद्ध क्षेत्र में जो ईसुभि बाणों के द्वारा प्रति ज्योत्सामी तथा पालट कर बाण चलाऊंगा व उसको विरुद्ध में मैं लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा जिसको पूजा करने का योग्य है उसको मैं साथ में कैसे युद्ध करूंगा। हम लोग पहले ही इसका आप लोग सुन चुके हैं जे गुरुजनों के बागजुद्ध नहीं करना चाहिए, मजाक से भी वो लोग को दुख नहीं देना चाहिए, आज मैं युद्ध में वो लोग को बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। इसके बाद बोल रहे जे गुरुन हत्ता ही महानुभवान श्रेय भोक्त्यम भोक्यम अपि ह्यो लोके हट्टार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुदिर परिधान, इसे बोला जे महानुभवान जे महानुभव गुरुजनों हैं वो लोग को नहीं मार करके ओपीह लोके इस संसार में इस लोक में भोक्ष्यम माने भिक्षा के द्वारा व भिक्षाटन करके भक्त्यम जे भोजन करना सेवस्कर है। हट्टार्थ कामास्तु गुरु निहैव गुरुजन को हट्टा करके जे इस संसार में जो भोग्य वस्तु मिलने वाला है ये जो हमारा गुरुजनों को रक्त से सुनु ही होगा ये कैसे मैं भोग करूँगा। तो जब किसी को संपत्ति मिला उसका परिजन पिता का रक्त माखा हुआ कोई भोग कर पाएगा कर नहीं सकेगा, उससे उसको सुख नहीं मिलने वाला है। ये बोलने के बाद अर्जुन अभी तो पहला अध्याय से पहला 22 नंबर श्लोक से अभी तक अपना पांडित्यपूर्ण बातें किया है कृष्ण का साथ, अपना जी धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र न्याय आदि के द्वारा वो कृष्ण का बात को काटते गए एवं अपना समस्या को समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन वो अभी ऐसी स्थिति में आ गए अर्जुन इसके बाद क्या करेगा समझ में नहीं आ रहे, अनिर्ण स्थिति में आ गए हैं, मेरे लिए क्या शेष करे, बोल रहे न चई तद विद्म कतरन्न गोरियो जदमा जयम ज्योति बान जयु जानेम हत्यान जिजी विषामस ती अवस्थिता प्रमुख धात्तराष्ट्र जयम जे मेरे को जीतना चाहिए बा यदि वा न जय हो जा बा मेरे को वो लोग जीते कतरन मैंने जो न गोरियो हमारे लिए श्रेयस्कर है
न एतद विद्म, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ ये क्या श्रेष्ठ है, ये मैं जीतूँ ना मेरे को लोग जीते, क्या श्रेष्ठ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अथवा जाने वो हत्या, जिन लोग को हत्या करके मेरे को जीने के लिए कोई इच्छा नहीं रहेगा। ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, ते धातर ये धातराष्ट्र धितुआर के पुत्रजन पुत्रगण बा भीतराष्ट्र के जो संगीगण प्रमुखे सम्मुखे अवस्थिता युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। मैं क्या करूँगा कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं युद्ध करूँगा क्या नहीं करूँगा, मैंने विषम परिस्थिति में आ गए हैं हम। हमारा जब कोई समस्या आता है जीवन में तब कोई भी जीव पहले खुद चेष्टा करते हैं अपना प्रयास से, अपना बल से, अपना बुद्धि से उसको माने सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरा हेल्प होता है कोई जरूरत नहीं है, मेरा कि बल नहीं है क्या, मैं कि कम बुद्धिमान हूँ क्या, पहले यही समझ करके खुद माने आपका समस्या को सुलझने का प्रयास करते हैं। जब वो जब समझते हैं वो जीव जे ना मेरे से कोई होगा नहीं, तब तो दूसरों का सहायता लेता है। तब कोई अपना परिवार नहीं होगा तो पुलिस को, कोई सरकार से, अपना गुरु से, किसी से सहायता लेते हैं। उसी प्रकार अर्जुन अभी तक पहला अध्याय से लेकर छः नंबर दूसरा अध्याय का छः नंबर श्लोक तक खुद प्रयास किया है, जो उनका सामने जो अभी समस्या आया है वो समस्या का समाधान करने का खुद प्रयास किया है। लेकिन अर्जुन देख रहे हैं जितना समस्या का सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं उतना समस्या उलझते जा रहे हैं। तो अब वो अपना जो कृष्ण को गुरु समझकर उसका भी शरणापन्न हो रहे हैं, तो इसलिए ये श्लोक उपस्थापन किया है अर्जुन जे कार्पण्य दोष पथ स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म समूढ़ चेता जत्स सन्निश्चिताम गृहितन में शिष्यास्तेहम साधि मामताम प्रपन्नम। ये कार्पण जो दुर्बलता प्रभाव है किम कर्तव्य हो कार्पण जो यहाँ पे अर्जुन क्यों बोला है जे कार्पण्य दोष, ये हर शब्द का ये भगवद गीता में जो हर शब्द है ये हर शब्द में भक्ति छुपा हुआ है, हर शब्द में हम लोग का जीवन में जे समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो यहाँ पे अर्जुन कार्पण्य दोष ऊपर स्वभाव ये शब्द बोलने का अभिप्राय क्या है, इच्छा क्या है, उनका जो मनोभाव किया है। यहाँ पे अर्जुन बोला है जे लास्ट में जी मैं आपका शिष्य मेरे को शिक्षा दीजिए, जो यदि कृष्ण बोलेगा जे तरी सुप्रतम शास्त्रार्थम तमेव ब्रुवान क्षत्रिय भूत्वा भिक्षाटम निश्चय सी, यदि अर्जुन यदि कृष्ण जी अर्जुन को व्यंगक ढंग से बोले जे क्षत्रिय भूत्वा जे आप क्षत्रिय होकर भी सुप्रतम शास्त्रार्थम जे शास्त्र निश्चय सी जे आप जे शास्त्र को अपना पांडित्यपूर्ण तर्क के द्वारा समझ कर भिक्षाटनम निश्चय सी जे भिक्षा करने के लिए हम निश्चय कर लिया हो, जे भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करोगे जे निश्चय सी तरी अलम मुक्त्वा मत उक्तायति। तब अर्जुन कृष्ण बोल रहे तब मैं क्या बोलूँ, आप तो पहले निश्चय कर लिए हो जे आपका पांडित्यपूर्ण विचार के द्वारा शास्त्र को समझ करके जो अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र विभिन्न रकम युक्त कर आप पहले निश्चय कर लिया जो भिक्षा करके मैं जीवन निर्वाह करूँगा तो मैं आप पर क्या उपदेश दूँ, मेरे को देखिए क्या फायदा है यार, आप तो मेरे बात ग्रहण नहीं करने वाला हो। इसका उत्तर में अर्जुन बोल रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कार्पण नेति मेरा अभी स्वभाव कृपणता का द्वारा बा कार्यता ग्रस्त कर लिया है, मेरा अभी वीरत्वपूर्ण स्वभाव भी नहीं है मेरा। तो अर्जुन कृष्ण बोल रहे आप क्या कार्यता है क्या कार्पण्यता है, बोले स्वाभाविक शौर्यस्त त्यागो में कार्पण्य, मेरा जो स्वाभाविक जो वीरतापूर्ण व शौर्यपूर्ण जो मेरा विचार है व स्वभाव है उसको मैं त्याग कर दिया हूँ, यही मेरा कार्पण्यता है। बोले पहले मैं बोल चुका हूँ एतन हत्वा कथम जिजी सामो, एतन हत्या ये सब को धातृष्ठ मैंने धातृपुत्रों को व पितामह भीष्म द्रोण को हत्या करके मैं कैसे जीऊँगा, मैं जे ऐसे ही जे मेरा जे इस प्रकार जो विचार है धारणा है यही मेरा कार्पण्यता है। हम लोग संसार में कृपण किसको कहते हैं, यह स्वल्पमपि वित्त क्षय, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी उसका अर्थ क्षय होने पर न क्षमते वो सहन कर नहीं पाते हैं, सह कृपण इति लोक प्रसिद्ध है, उसको ही लोक में कृपण कहा जाता है, जो उनका थोड़ा सा अर्थ क्षति होने पर नष्ट होने पर वो सहन कर नहीं पाते हैं, जो सोचते हैं जो मेरा जीवन ही चला गया। जैसे राधागोविंद महाराज हमेशा कथा बताते हैं एक मनुष्य का दो प्राण होता है, एक आंतरिक प्राण एक बाहरी प्राण, आंतरिक प्राण प्राण भाई बाहरी प्राण अर्थ, किसी अर्थ ना आ सका माने समझो उसका प्राण ही नष्ट हो गया, इतना वो व्याकुल हो जाते हैं इतना आकुल हो जाते हैं। तद विदित्वात इसी के कारण अखिल अनात्मविद ये संपूर्ण जो अनात्मविद अप्राप्त पुरुषार्थतया, इसके कारण वो
जो परमात्मा व भगवान को जो प्राप्त कर नहीं पाते हैं, इसी का कारण उसको कृपण कहा जाते हैं। ये जो व्यक्ति सामान्य अर्थ स्वयं सहन कर नहीं पाते हैं और अर्थ व्यय से जो सांसारिक व दैहिक जो सुख भोग होता है वो भी प्राप्त कर नहीं पाते क्योंकि अर्थ क्षय नहीं करते हैं। जैसे किसी को अभी भूख लाग रहे अच्छा कोई सेब खाना है, जो अर्थ खर्च करेगा सेब लाएगा रुपये को तब तो सुख भोग कर पाएगा, वो अर्थ सहज कर नहीं पाते तो कैसे वो भौतिक सुख भोग कर पाएगा। उसको लोग कृपण कहते हैं जिसको अर्थ है लेकिन वो अर्थ के द्वारा अपना जीवन में सुख ले नहीं पाते, उसको लोग कृपण, ये कृपण व्यक्ति है। इतना अर्थ है लेकिन देखो कैसे फाटा फूटा कपड़ा पहना है, शुद्ध दाल राइस खाते हैं और लोग के पास मांगते रहते हैं, उनके पास कितना अर्थ है, उसको लोग कृपण कहते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो खाने पर उसको कृपण नहीं बोलते हैं, उसको दरिद्र बोलते हैं। कृपण किसको बोलते हैं, जो बहुत अर्थ है लेकिन वो जहाँ दिखा रहे मैं कंगाल हूँ मेरे पास कुछ नहीं है मेरे को कुछ दीजिए, उसको लोग कृपण बोलते हैं, ये बहुत कृपण व्यक्ति है उसको बोलते हैं। उसी प्रकार जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानता कारण जो मुक्ति के लिए ये तुच्छ सामान्य जो भौतिक सुख उसको त्याग नहीं पाते हैं, उसी के कारण जे परम सुख जे परमात्मा को प्राप्त कर नहीं पाते, उसी का फलस्वरूप जो परमानंद स्वरूप जो सुख भोग वो कर नहीं पाते हैं। इसी को ही आध्यात्मिक दृष्टि से कृपण कहा जाता है, जो उसके पास सारी सुविधाएं है भक्ति करने का भगवान प्राप्ति करने का एवं दुखमय जीवन को त्याग करके सुखमय जीवन प्राप्त करने का, लेकिन वो अज्ञानता कारण सामान्य तुच्छ छोटी छोटी इंद्रिय सुख भोग को त्याग कर नहीं पाते हैं, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कृपण कहते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बृहदारण्यक उपनिषद से कृपण व्यक्ति का जो तात्पर्य माने श्लोक उद्धृति किया है जो तृतीय अध्याय का अष्टम ब्राह्मण का 10 नंबर मंत्र, ये उपनिषद सारी श्लोक को मंत्र कहते हैं, जैसे गीता का श्लोक कहते हैं उपनिषद का सारी श्लोक को मंत्र कहते हैं। यो वा एतद् अक्षरम गार्गी, हे गार्गी जो यह अक्षरम जे अविनाशी जे परमात्मा भगवान को अविदित्वात नहीं जानकर नहीं समझकर वा उनका भक्ति नहीं करके असमान लोकात इस लोक से प्रेत ही मर के चला जाते हैं, भाई लोग को छोड़ के चला जाते हैं, सह कृपण वो कृपण है। माने जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए एवं भगवान का भक्ति नहीं करके भगवान का नहीं समझ करके कुत्ते बिलकर मर जाते हैं उसको ही कृपण कहते हैं। प्रभुपाद ये श्लोक कोट कोट किए हैं। प्रभुपाद अर्जुन का माने कार्पण्य का बोलने का भाव क्या है, ये बोल रहे हैं जे अनात्म धस्तवत, ये अनाधस्त क्या है ना, इसी जन्म में ये मेरा है ये मेरे है ये मेरा वस्तु है मेरा आत्मीय स्वजन है, इससे भाव है इसको तो अनात्मधस्तवत। तेसु हत्येसु किम जीवितेन, माने इन लोग को मेरा आत्मीयजन को हत्या करके मैं कैसे जीऊँगा। इस प्रकार के अभिनिवेश रूप ममत्व रूप लक्षण दोष, तो अर्जुन का दोष क्या है, इस प्रकार जी ये लोग को हत्या करके मैं कैसे जीऊँगा, इस प्रकार जो उसका ममता लक्षण दोष है इसका द्वारा वो उपहित तिरस्कृत हो गया स्वभाव। जे क्षत्रियों का जे युद्ध का जे उत्साहपूर्ण जे स्वभाव है वो अर्जुन त्याग दिया है, यही है उसका कार्पण्यजनित दोष है। यहाँ पे अर्जुन इस श्लोक में इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जे पूर्ण शरण ले रहे हैं अर्जुन कृष्ण का, जे कृष्ण जितना अभी तुझे विचार दिया है वो विचार को श्री कृष्ण जे 2 नंबर श्लोक में क्या बोला है, कल्मश, ये अर्जुन का जो जितना विचार है उसका दिमाग का कलमस है, गंधकी है और कुछ नहीं है, कूड़े कण के समान है। उसी समय से अर्जुन मन में बार बार उसका मन में एक ही बात आ रही है, मेरा सखा ने मेरा जो विचार को मैं इतना अच्छा अच्छा अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र विचार दिया हूँ कृष्ण के सामने, वो मेरे को बातों को नाकार मैंने तुच्छ को बता दिया, जो कलमस कूड़े कण के समान बता दिया, अज्ञानी बता दिया, ये क्या बात है। उसका बार बार मन में आ रहा है, जब कोई दोस्त किसी दोस्त को टोकता है वो तो उसी समय हंस के बात उड़ा देते हैं लेकिन मन में बार बार उसको बीतते रहते हैं, जो मेरा दोस्त मेरे को क्यों बोला है, मेरा लग रहा है कोई गलती है। और अभी अर्जुन विचार करके देख रहे हैं मेरा जो कायरतापूर्ण दोष मेरे को ग्रस्त कर लिया है, तो अर्जुन अभी सोच रहे हैं जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति अज्ञता कारण जो कूड़ा कंकड़ को बटोते रहते हैं जो असली अर्थ को छोड़ देता है, उसी प्रकार मैं भी जे देखने वाले अच्छे विचारों को जो कोई मूल्य नहीं है उसको मैं बार बार ग्रहण कर रहा हूँ, और कृष्ण का जो उपदेश जो हीरे के समान है मूल्यवान है उसको मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं नकार रहा हूँ छोड़ दे रहा हूँ। जिस पर एक अज्ञानी बालक जो बालक होता है
अज्ञता कारण जे देखने वाले चमकीले रंगीनदार जे कागज़ के टुकड़ों को बटोते रहते हैं, एक काटा करते रहते हैं, आज कागज़ का नोट वो बच्चे क्या समझते हैं, उसको भी भय नहीं, कागज़ का काला सा नोट पड़ा है नहीं, वो उसको नहीं देखता है, जो रंगीन रंगीन अच्छा अच्छा जो कागज़ का टुकड़ा उसको ये एक काटा करते हैं, आज ये कागज़ का असली नोट उसको देखता नहीं, क्योंकि काला सा कैसे नोट पड़ा है उसको देखता नहीं है। उसी प्रकार अर्जुन जो दिखने वाले अच्छे विचार वाले जो लोग अर्जुन कितना अच्छा, देखो अर्जुन का विचार क्या है, त्याग से भरा हुआ है, वो राज्य भोगना नहीं चाहते हैं, कितना त्यागी है वो, इतना अच्छा उदार है जो अपना परिवार परिजनों को माना नहीं चाहते, कितना दया है, कितना करुणा है, लेकिन उसका ये जो विचार है, जो हम गहराई से विचार करें इसका तुच्छ है, पूरे कंकड़ है, क्योंकि ना कोई एक कृपण व्यक्ति जिसका कोई थोड़ा सामान्य चावल गिर गया है, वो एक धोनी व्यक्ति वहाँ जाके बहुत शोक करते हैं जी, देखो मेरा थोड़ा सा चावल गिर गया, मैं क्या करूँ, उसको मूर्ख बुलाते, क्यों ना धोनी व्यक्ति से वो थोड़ा सा चावल क्या, वो एक चावल का बोरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ना करे तो क्या करे, तो रोता है, हाय देखो मेरे साथ थोड़ा चावल गया, इसकी मेरे को रक्षा कर दो, उठा दो, उसके लिए रोता है। उसी प्रकार अर्जुन कृष्ण जे मूल्यवान, कृष्ण का उपदेश व कृष्ण जो है रत्न के समान है, जिस पर कोई एक हीरे होता है उसका सामने कांच का टुकड़ा कोई भले नहीं होता है, हीरे सबसे मूल्यवान वस्तु होता है। उसी प्रकार कृष्ण रूपी जे हीरे उनका सामने जे कूड़े कंकड़ रूपी अर्जुन का जे आत्मीय स्वजन परिजन उनके लिए शोक कर रहे हैं, वो अर्जुन कृष्ण के सामने उसका रो रहा है जे मेरा आत्मीय स्वजन रक्षा हो जाए, जाते मेरे ये लोग को ना हत्या करना पड़े, इसलिए रो रहा है। इस अर्जुन को यहाँ पे क्यों मूर्ख बोला गया है, ना अपना जे कांच रूपी जे स्वजन को उनको नहीं छोड़ के उनको पकड़ रखा है, और हीरे रूपी जे कृष्ण का जे विशाल भक्त का समाज उसको को ग्रहण कर सकते हैं, जब कृष्ण का बात मानेगा, कृष्ण का हिसाब से चलेगा, तब वो जे कृष्ण का जे विशाल भक्त का समाज उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण उसका पूरा मैंने सुखीमय जीवन हो सके, लेकिन उस वो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे ना शोक से अभिभूत है, आज ये मेरापन उसी में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कार्तिक दोष आ गए हैं। हम लोग भागवत में ग्यारह स्कंद में जो एक बहुत बड़ा कृपण व्यक्ति का बात हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो अवंती ब्राह्मण, हम लोग सभी सुने ग्यारह स्कंद में भागवत में, जो अवंती ब्राह्मण थे वो बहुत धोनी व्यक्ति थे, लेकिन इतना कृपण था वो रुपया से अपना शरीर के लिए तो कुछ खर्च नहीं करते थे, एवं कि अपना बीवी बच्चे के लिए भी कुछ नहीं करते थे, खाना भी नहीं देते थे अच्छा से, तो कोई बात नहीं चलो वो भी नहीं होता, कम से कम तो धार्मिक विषय में थोड़ा सा अर्थ व्यय करे, वो भी नहीं करते थे कुछ, इसी कारण से उसका बीबी बच्चे हमेशा अर्थ होते थे, एमन की देवता भी रुष्ट होते थे, जो उनके पास कितना संपत्ति है थोड़ा सा भी देवता के लिए व भगवान के लिए खर्च नहीं करते थे, इतना कृपण थे, इसलिए उनका भी सब लोग असंतुष्ट थे। लेकिन काल का एमन एक समय आया, उनका सारी धन लूट गया, उनका बीवी बच्चे ने सुजोग सा अवसर लेके धन कुछ धन छीन लिया है, और कुछ धन समय का फेर में नष्ट हो गया है, कुछ धन सामान्य जनों ने छीन लिया है, और कुछ धन जो राज परिवार है वो लोग ले लिया है, राज कर्मचारी, उनका एक भी धन नहीं बचा, पूरा निर्धन हो गया, इससे वो बहुत दुख हुआ है, इतना दुख हो गया मानो उसका जीवन ही नहीं रहा हो। इसी माने घटना से हम लोग समझ सकते हैं, ये जो घटना व ये जो शिक्षा है हमारा जीवन में सबका जीवन लागू होता है। ये जो पूरे जो भौतिक जगत, भौतिक जगत में असंख्य जीव है, उसी का साथ यदि हम लोग ये सामान्य मनुष्य जीव का तुलना किया जाए मनुष्य के साथ, और उसी के साथ जो अवंती ब्राह्मण तुलना किया जाए, हम समझ सकते हैं जे ये जगत में कितना असंख्य जीव है, 84 लाख जीव जो नहीं असंख्य भरा हो ये जगत में भौतिक पूरा ब्रह्मांड में, उसी में ये पृथ्वी में मनुष्य उसी हिसाब में सामान्य थोड़ा सा है, और उसी में अवंती ब्राह्मण कितना धन है, थोड़ा सा ही धन है, लेकिन उनका धन में इतना गर्व है, इतना कृपणता है, वो खर्च करना ही चाहते हैं। उसी प्रकार जे इस जगत में कोई विरले कोई एक निर्धन को अचानक बहुत बड़ा धनराशि मिल जाते हैं, कोई सामान धरे लाखों में एक लोग कैसे होता है, जैसे कोई गरीब है उनको लॉटरी 5 करोड़ रुपया मिल गए, ये बहुत कम लोग का होता है, अरे जो जो कोई रास्ते में भीख मांगने वाला रुपया है नहीं, लेकिन कोई बोला अरे कोई लॉटरी हो रहा, लॉटरी काट ले, उनका रुपया भी है नहीं, दूसरा लोगों का हेल्प कर दिया, वो लॉटरी काटा उसको 5 करोड़ रुपया मिल गए, ऐसे बहुत कम लोग का होता है। उसी प्रकार जो अवंती ब्राह्मण का ऐसे ही हुआ, बहुत कृपण था लेकिन उसको बहुत धन मिल गए, लेकिन कृपणता कारण वो धन से वो
कुछ आपने जीवन में कुछ सुख भोग नहीं पाया। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में अनंत कोटि जीव है, इसी में कुछ बिरेले कोई भाग्यवान जीव को जो महान मूल्यवान धन रूपी मनुष्य देह मिलता है, उसी के द्वारा जो अज्ञानी जीव होता है वो इसका कोई मूल्य नहीं समझते हैं। वो जो महान मूल्य में जो मनुष्य देह को वो अपना जीवन को सुखी कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई माने कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अपना धन के सदुपयोग लगा के बा बहुत बड़ा व्यापार में लगा के उससे और ज़्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जो कोई बुद्धिमान जीव होगा वो मनुष्य देह रूपी धन को भगवान सेवा में लगा कर भगवान को भक्ति करके जे दुखमय जीवन से उबार के जे सुखमय जीवन वो परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कृपण व्यक्ति का तरह वो ये मनुष्य जीवन को एक क्षण भी भगवान सेवा नहीं लगाते हैं, अपना भौतिक कार्य में लगा के जीवन को गंवा देते हैं। इसी का फलस्वरूप वो दुखी दुख भुगत रहता है। उसके पास सुख प्राप्त करने के लिए पूरा अवसर है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति के पास बहुत धन है, वो चाहेगा तो धन के द्वारा सुजोग सुविधा अपना सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन कृपणता कारण वो बिल्कुल रुपये खर्च करना चाहते हैं तो कैसे सुरक्षा होगा ही नहीं है। कभी भी कोई आके धन लूट लेगा, कोई डाकू आया धन छीन लिए, किंतु वो कोई सिक्योरिटी रखा नहीं, उनके पास बहुत धन है। उसी प्रकार हमारे जो अज्ञानी जीव होता है वो मनुष्य देह को भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं। बोले क्या है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ। लेकिन जैसे लुटेरे धनवान का कृपण धन का छीन लेता है, उसी प्रकार काल रूपी जो मृत्यु आएगा तुरंत एक झपट में हमारे मूल्यवान धन रूपी ये मनुष्य देह को छीन लेगा। बस आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका पास जो बहुत बड़ा एक सुजोग था, जो खजाना था, उसका द्वारा आप जीवन को सुखी बना सकते थे, लेकिन ये आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि आप सदुपयोग किया नहीं है। उसे जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कर नहीं सकते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वही कर सकते हैं सदव्यवहार। यही अवंती मामले शिक्षा से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग विचार करेंगे अर्जुन का स्वभाव कैसे नष्ट हो गया है। श्रीमद भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 8 अध्याय का 14 क्या बोला, जे अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वभाव में क्या बोला, जे युद्ध चापी पलायनम, जो क्षत्रिय जो होता है वो युद्ध से कभी भागता नहीं है। अर्जुन का तो विशेष चरित्र है जो वो अभी तक इसका पहले युद्ध से कभी नहीं भागा है, जे हिमालय का तरह युद्ध में खड़े रहते थे। एवं अर्जुन युद्ध में इतना निपुण है युद्ध विद्या में जे उनको युद्ध में अभी तक कोई परास्त कर नहीं सका। अर्जुन का बाण चलाने में इतना दक्ष है, कोई योद्धा जब एक बाण छोड़ के दूसरा बाण छोड़ते थे उसका बीच में अर्जुन 5 बाण एक साथ चला सकते थे, इसलिए कोई योद्धा उसका पास टिक नहीं पाते थे। एकमात्र उसी समय 3 व्यक्ति थे जो अर्जुन से सामना कर सके, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। ये 3 व्यक्ति थे उसी परिस्थिति में जे कर्ण का साथ सामना कर सके, क्योंकि कर्ण कृष्ण अर्जुन का साथ, क्योंकि अर्जुन इतना तेज गति से बाण चलाते थे जब कोई दूसरा बाण लगाएगा उस पर 5 बाण चलेंगे, वो क्या करेगा दूसरा पक्ष, इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे। कोई कोई योद्धा तो अपना जीवन को रक्षा करने भाग जाते थे, कोई कोई रो पड़ते थे, और अर्जुन ओला चक्र की भांति घूमते हुए माने योद्धा को परास्त कर देते थे। इतना बारिश वर्षण करते थे, कहा देते थे जैसे इंद्र पानी का बारिश करते हैं, और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बाणों का वर्षा करते हैं, माने शत्रु पक्ष को कुछ देखते से बाण ही बाण देखते और कुछ देख नहीं पाते हैं। लेकिन इस समय अर्जुन का वो स्वभाव नष्ट हो गया है, ढक गया है, जे अपना जे कृपण जे अपना सजना का प्रति जो कोरोना का प्रभाव से जो कोरोना का देखा है उसका प्रभाव से उसका भी स्वभाव ढक गया है, वीरत्वपूर्ण स्वभाव ढक गया है। इसलिए उसको बोलता है जे कायरता व कृपणता। तो ये हरिनामी तो अष्टकम में एक श्लोक आते हैं, अहो दुखम महादुखम दुखात दुख तरम यतः काचार्थम विस्मितम रत्नम हरे नामैव केवलम। इस अर्थ है अहो दुखम, आहा की दुख है, महादुखम बड़ी दुख है, दुखात दुख तरम यतः दुख से भी बड़ी दुख है, काचार्थम ये भौतिक विषय रूपी कांच के लिए, कांच रूपी अर्थ के लिए, विस्मितम रत्नम हरे नाम केवलम, जे हरिनाम रूपी जे रत्न वो मेरे को भुला दिया है। ये भौतिक
सुख में मैं इतना उलझा हुआ हूँ जो हरिनाम रूपी जो विशाल रत्न धन ये मेरे को भुला दिया है, वो लेने का टाइम ही नहीं है, विषय भोग में मैं इतना व्यस्त हूँ। ये हरिनाम अष्टकम में इसको बताया गया है। इसका बाद श्लोक आते हैं जे पिच्छामितम धर्म समूढ़ चेता, दूसरा लाइन जे अर्जुन बोल रहे हैं जे धर्म समूढ़ चेता, धर्म का विषय में मैं मोहग्रस्त हूँ। इसका बोलने का मतलब क्या है अर्जुन का, जे धर्मस्य सूक्ष्मा गति ही, जे धर्म का गति बहुत सूक्ष्म है, इसका समझना बहुत मुश्किल है। अतः ये धर्म व्यवस्थायम अपि अहम मूढ़ बुद्धि अस्मि, धर्म के विषय में अर्जुन बोल रहा है धर्म के विषय में मेरा बुद्धि मोहित हो गया है, मैं मोहग्रस्त प्राप्त कर ले। अतः तम एव निश्चित श्रेय भूहि, इसलिए हे कृष्ण मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मेरे को कहिए। युद्धम त्यक्त्वा भिक्षाटनम अपि क्षत्रियस्य धर्म वा अधर्म व्यति संदिग्ध चित्त सन इति अर्थ, माने अर्जुन बोल रहे हैं जे मैं जे युद्ध त्याग करके जे भिक्षा करने के लिए निश्चय कर लिया हूँ, ये क्षत्रिय के लिए धर्म है या अधर्म है, ये इसका विषय में मैं द्विधाग्रस्त हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए क्या श्रेयस करे वो मेरे को ठीक करके बोलिए। मेरे क्या करना है, जे भिक्षावृत्ति करना है ना युद्ध करना है, मेरे लिए क्या निश्चय करके बोलिए, मेरे लिए क्या श्रेय होगा, क्या कल्याणकारी होगा। जे धर्म का विषय में निर्णायक प्रमाणम अदर्शनात्, मैंने धर्म का विषय में जे निर्णय फल व प्रमाण नहीं देखने के कारण, मैंने अर्जुन जे क्या फल है देख नहीं पा रहे, अच्छा फल देख नहीं पा रहे युद्ध करने से, सम्मूढ़ माने मैं मोहित हो गया हूँ। अर्जुन क्यों मोहित हो गया वो प्रमाण दे रहा है, जे मैं ये धर्म का विषय में, ये जो धर्म युद्ध का विषय में मैं युद्ध करके मेरा क्या लाभ होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा चित्त मोहग्रस्त हो गया, मोहित हो गया है। किम एतेषां बधे धर्म, क्या मेरा ये लोग का बध करना धर्म है, किम एतत् प्रतिपलम धर्म, क्या ये लोग का पालन करना धर्म है, तथा किम पृथ्वी पालनम धर्म, क्या ये सारा पृथ्वी का पालन करना धर्म है, किंबा यथा अवस्थित अरण्य निवास एव धर्म, जिस प्रकार हम लोग जे पहले इसके पहले 12 वर्ष अरण्य में निवास कर रहा था, उसी प्रकार फिर दोबारा अरण्य में जाकर निवास करना हमारा धर्म है, क्या समझ नहीं पा रहे। एक क्या 4-5 कारण दिया अर्जुन, जे ये लोग को वध करना धर्म है वा ये लोग को वध ना करके पालन करना में धर्म है, अथवा ये सारा पृथ्वी को पालन करना धर्म है, वा हम लोग जैसे पहले अरण्य में निवास कर रहा था उसी प्रकार ये हिंसा भाव छोड़ के हम अरण्य के निवास करूँगा ये धर्म है। एक 4 कारण दिया है, इसका विषय में उनका चित्त संदिग्ध हो गया है अर्जुन का, इसलिए वो मोहग्रस्त हो गया है। इसलिए बोल रहा है जे निश्चित कर मैं कहिए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अतः जत निश्चयसी ऐकांतिकम आत्यंतिकम च श्रेय परम पुरुषार्थ भूत फलम सेत मे मह्यम ब्रूहि, माने मेरे लिए जो आत्यंतिक और ऐकांतिक श्रेय है वो मेरे को कहिए। अर्जुन श्री कृष्ण बता रहे जे आत्यंतिक ऐकांतिक सेव, आत्यंतिक सेव क्या है, साधन अनंतरम आवश्यम भावितम ऐकांतिकम, जे साधन का वा कार्यों से जे निरंतर फल प्राप्त होने वाला है इसको बोलते हैं ऐकांतिक सेव। और आत्यंतिक क्या है, जातस्य अति नाश आत्यंतिकम, जे फल जे प्राप्त हुआ है ये फल जब कभी नहीं नाश होने वाला हो इसको बोलते हैं आत्यंतिक। जैसे हम लोग इसका एक उदाहरण जो समझ सकते हैं, जैसे कोई बीमार हुआ है, अभी डॉक्टर जी सामने खड़ा है, बहू जी सामने है, किसी का बीमार हुआ है, जो बीमार कैसे समाधान होगा, कोई दवाई देके। लेकिन जब दवाई से कभी कभी बीमार ठीक भी होता है कभी ठीक भी नहीं होता है, वह कभी ठीक भी हो गया फिर दोबारा वो बीमार हो गया तो दुख का निवृत्ति हुआ नहीं है, थोड़ा समय हुआ फिर दोबारा बीमार हो गए, ताले ये पूर्ण दुख का निवृत्ति नहीं हुआ है। वह हम लोग जो कभी कोई योग करते हैं किस लिए करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लेकिन योग करके हमेशा स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता है, वहाँ स्वर्ग प्राप्ति हो भी गया लेकिन वहाँ पर जाके फिर दुख में हो गया, अरे 2 वर्ष संग्राम हो गया है, वह स्वर्ग में फिर एक दुख क्या है, जब मेरे से दूसरा व्यक्ति ज़्यादा सुख भोग कर रहे हैं, वो लोग का यह दुख है जी, वो मेरे से कैसे ज़्यादा सुख भोग कर रहे हैं। जैसे इंद्र अश्विनी कुमार को काफी अपना आसन में बैठने देता है, जो अश्विनी कुमार
वो क्या बोलते वैद्य है, माने जो क्या बोलते हैं डॉक्टर है, वो देवता पद भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसी को मतलब हमेशा नफरत करते इंद्र। वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसी प्रकार जे कभी कोई इसको कोई आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हुआ है, थोड़ा आत्यंत यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, वही कहते आत्यंतिक थोड़ा कोई कार्य किया है उसका हमेशा फल मिलते रहे, अरे कभी नाश ना हो, उसको बोलते हैं आत्यंतिक दुख का निवृत्ति। हम लोग ये भौतिक जगत में मानुष तीन प्रकार दुख में ग्रसित होता है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार दुख के सारी बद्ध जीव मैंने दुखी है, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकते। आध्यात्मिक दुख क्या है, जे ये अपना शरीर से और मन से जो दुख प्राप्त होता है इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। शरीर से कैसे, जैसे कोई जो स्वाभाविक जो भूख प्यास लागते हैं इससे हम लोग दुखी हो जाते हैं, जब भूख लागते जब तक नहीं हम लोग भोजन करते तब तक हम लोग को दुखी रहता हूँ। एवं धरो कोई ये शरीर का जो तीन धातु है, जो कफ पित्त वायु, ये कफ पित्त वायु का जब विषम परिस्थिति आ जाते हैं तब ज्वर अतिसार आदि बीमार होता है, इससे दुख होता है, ये होते शारीरिक दुख है। अरे मानसिक दुख क्या है, जे क्रोध हिंसा देश आदि का द्वारा जे हम लोग दुखी होता है, ये जो मानसिक दुख। ये दो प्रकार दुख, तले ये दुख को आध्यात्मिक क्यों कहा गया है ना, ये दुख को हम लोग अंदर से समाधान कर निवारण कर सकते, इसलिए इसको आध्यात्मिक कहा गया है। कैसे, जैसे हमारा भूख लगा है हम अन्न ग्रहण करके निवृत्त हो सकते हैं, हमारा बीमार हुआ है दवाई खा के उसको निवारण कर सकते हैं, हमारा काम भाव उत्पन्न हुआ है इंद्रिय संयम से हम लोग इसको निवृत्ति कर सकते हैं, मन में क्रोध आ गया है दया भाव से ये क्रोध को निवारण कर सकते हैं, लोभ उत्पन्न हुआ है दान करने से लोभ चला जाते हैं, मन में भय आ गया है तत्व ज्ञान तत्व विचार से हम लोग भय से निवृत्त हो सकते हैं, मोह हुआ है विवेचन से विचार से हम लोग मोह से उबर सकते हैं, अगर विषाद हुआ है जिस विषय से विषाद हुआ है उस विषय से अनुसंग से हम लोग निवृत्त हो सकते हैं। अर्थात ये शरीर एवं मन से जो हम लोग दुख होता है वो अंदर से हम लोग उसको उपचार करके हम लोग निवृत्त हो सकते हैं, इसलिए उसको आध्यात्मिक कहा गया है, इसी कारण से इसका नाम जो आध्यात्मिक दुख, माने कि इसको अंदर से इसको हम लोग समाधान कर सकते हैं। और आदि भौतिक जे दूसरों जीव के द्वारा जब ये उसको निवृत्ति होता है, जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि के द्वारा, जैसे आदि भौतिक। और आदि दैविक क्या, विभिन्न देवताओं का द्वारा, जैसे किन्नर यक्ष राक्षस बा ग्रह का जे दुष्परिणाम, इससे जो हम लोग दुख भोगता है दुख होता है इसको बोलते हैं आदि दैविक दुख। इस प्रकार तीनों दुख के द्वारा समस्त जीव ग्रसित हैं। लेकिन हम लोग जब ये सब भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का शरणपन्न होंगे, जैसे अर्जुन अभी श्री कृष्ण का शरणपन्न हो गए, इसमें हम तो भगवान का शरणपन्न होंगे तब हम लोग ये दुख से निवृत्ति हो सकते हैं। तो हम लोग इससे सीख सकते हैं जी, हम लोग हमेशा गुरु का शरणपन्न होना पड़ेगा या भगवान श्री के शरण होना पड़ेगा, तब हम लोग ये दुख से निवृत्ति हो सकते हैं। हरे कृष्ण, समय हो गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की।